ये आगर मालवा से, जहां सुसनेर में सड़क हादसा देखने को मिला है, भीषण सड़क हादसा। हादसे में चार वाहन जलकर राख हो चुके हैं। इंदौर कोटा हाईवे पर यह हादसा हुआ है और चार वाहन जलकर राख हो चुके हैं। आगर मालवा के सुसनेर में भीषण सड़क हादसा, जहां चार वाहन जलकर राख हो चुके हैं और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैला हुआ है। देखिए चार वाहन कैसे जलकर राख हो चुके हैं, धुआं ही धुआं। तमाम लोग मौजूद हैं, अपने फोन में वीडियो बना रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है और पूरा सड़क आप देखिए एक तरह से यहां पर जाम हो चुका है, क्योंकि बीच हाईवे पर ही ये भीषण सड़क हादसा दिखाई दिया। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला और काफी ज्यादा यहां नुकसान बताया जा रहा है। चारों ही गाड़ियां जलकर राख हो चुकी हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा आप देख रहे हैं जो आगर मालवा के मेन हाईवे पर हुआ है और ये चार गाड़ियां हैं जो जलकर राख हो चुकी हैं। काफी ज्यादा भयानक हादसा, जिसमें कि बैक टू बैक की जो चार गाड़ियां हैं वो जलकर राख हो चुकी हैं। देखिए काफी भीड़ यहां पर और आग की लपटें काफी दूर दूर तक फैली है। हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, ब्लास्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आया है गाड़ियों में। इसके बाद जो आसपास के लोग हैं वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे और उन्होंने फौरन सूचना दी है। फिलहाल दमकल विभाग की गाड़ियों को भी ये सूचना दे दी गई है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे और आग को बुझाया जाए, क्योंकि हाईवे पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। रजनीश सेठी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, ये आग कैसे लगी और चार वाहन जो जलकर राख हो चुके हैं बुरे तरीके से, इसके पीछे की क्या वजह सामने आई अब तक? जी अंशिका, पहले मैं बता दूं, ये जो दुर्घटना है ये इंदौर कोटा राजमार्ग पर सुसनेर के डागमंगला मुख्य चौराहे पर हुई है, जहां पर दो ट्रकों में पहले भिड़ंत हुई और उन्हीं के पास में दो कारें भी थी, उनमें भी आग लगी है। जैसे ही ट्रकों में आपस में भिड़ंत हुई, उसके बाद में तेजी से उनमें आग लग गई और किसी को कुछ समझने का मौका नहीं लगा और पूरे जो चारों वाहन है ये जलकर पूरी तरह से खाक हो गए हैं। अभी भी आग काफी तेजी से जल रही है और बार बार इसमें विस्फोट हो रहे हैं। हो सकता है कि जो ट्रक में किसी तरह का ज्वलनशील पदार्थ हो, जिसके चलते बार बार यहाँ पर अभी विस्फोट जैसी स्थिति भी बन रही है, बार बार विस्फोट हो रहे हैं इन गाड़ियों में। और अभी जो सुसनेर का एक दमकल वाहन से आग बुझाने का प्रयास जरूर जारी है, लेकिन आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। करीब आधे घंटे से अधिक इस आग को हो चुका है और इसमें जी बोलिए इसमें आधा घंटे से अधिक ही अभी समय हो चुका है इस आग को लगे हुए, लेकिन अभी तक इस पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब इसमें जो जनहानि वाली बात है वो भी अभी क्लियर नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें धमाके हो रहे हैं इसलिए ट्रकों के पास कोई जा नहीं पा रहा है। इसमें हो सकता है कि इसमें किसी तरह की जनहानि की भी संभावना है, क्योंकि उसमें ड्राइवर निकल पाए कि नहीं निकल पाए अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है। जी ठीक है, लेकिन ये चार वाहन मालिक कहाँ पर हैं और किनकी ये गाड़ी थी, कहाँ से आ रही थी, क्या पता चला है? में कुछ भी स्थिति क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि चूंकि अभी आग जारी है और काफी तेजी से उन गाड़ियों में आग लगी हुई है, इसलिए कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा उसके बाद ही यह पता लग सकेगा कि ये गाड़ियां किसकी थी, कहां जा रही थी, इनमें क्या भरा हुआ था
और इसमें किसी तरह का कोई हताहत तो नहीं हुआ है जी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए रजनीश। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दंतेवाड़ा की, जहां सुरक्षा बलों ने सर्चिंग अभियान चलाया और इस दौरान माओवादी बुधू मंडावी को गिरफ्तार किया है। तोड़मा मंगनार पहाड़ी पर घेराबंदी कर मंडावी को जवानों ने दबोच लिया। मंडावी कई घटनाओं में शामिल रहा है और वहीं बड़ी मात्रा में नक्सली पोस्टर भी बरामद किए गए हैं मौके से। तो सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसके बाद आप देखिए किस तरीके से यहां पर एक्शन लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से। इनामी और लंबे समय से चल रहे सर्च ऑपरेशन के बाद नक्सली पर नकेल कसा गया है, घेराबंदी कर नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से यहां पर जवानों को तलाश थी इस नक्सली की, जिसे आखिरकार गिरफ्तार किया गया। कई वारदातों में ये शामिल रह चुका है।